नमस्कार, जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु से। बिहार में और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से उनके दावे थे और सबकी पोल पट्टी खुल गई, और अब पूर्व सांसद, इस बार टिकट नहीं मिला, अश्विनी चौबे, तो बाबा अश्विनी चौबे जिस तरह से गरम है, कह रहे हैं सम्राट चौधरी को बिना नाम लिए कि आयातित माल जो है वो भाजपा के लिए नुकसानदेह है, मतलब ठीक नहीं है कि आप जिस किसी को, तो उनका इशारा तो एक तो ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा की जो जो भी भाजपा के साथ जो सेटबैक मिला वो उसकी तरफ इशारा है, और सम्राट चौधरी को क्या वो चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, ऐसा वो चाह रहे हैं और बदलाव चाह रहे हैं। हालांकि अश्विनी चौबे की अब भूमिका क्या होगी प्रदेश, मैंने बिहार भाजपा में, यह भी एक सवाल है। तो क्या छटपटाहट में है कहीं कोई पद के लिए, या कोई वो अपनी भूमिका तलाश रहे हैं, या सम्राट चौधरी को लेकर वाकई कुछ होने वाला है? जी देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस उम्मीद के साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को तरजीह दी और ऊंचे ओहदे पर बिठाया प्रदेश अध्यक्ष की कमान, देखिए आने जाने वाले लोग तो पार्टी में आते जाते रहते हैं हर एक जगह। भाजपा में भी अब कोई ऐसा नहीं है कि पुराने लोग ही हैं, सब तमाम लोग नए लोग भी हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और फिर उनका जो कामकाज करने का तरीका था और जिस तरीके से वो पेश आ रहे थे, ठीक है ना, उसमें वो कहीं नहीं लग रहा था कि उनको भाजपा के तमाम लोगों को बांध के लेके चलना है, तमाम बातें हैं। कहीं ना कहीं से उनका आचार व्यवहार, हाव भाव जो है वो दिख रहा था कि वो अपने को सब शक्तिमान मान बैठे हैं और उन यह मानते हैं कि भैया हम जो कह रहे हैं आपको सुनना ही है, नहीं समझे, एक तानाशाह ही तरीके से। तो अब जबकि चुनाव का परिणाम सामने है, कहा तो यह भी जा रहा है कि जो भाजपा का अंदरूनी सर्वे हुआ था जो टिकट वगैरह को लेकर के, ठीक है ना, उसमें जो बातें कही गई थी कि उनको टिकट देना मुफीद नहीं है, उनको टिकट देना मुफीद नहीं है, उनका काट दिया जाए, उनका रख लिया जाए, इन तमाम बातों को दरकिनार करके जो उम्मीदवारी तय की गई, उस उम्मीदवारी को तय करने में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और उनके साथ और भी कुछ एक दो नेता हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, हालांकि वो भाजपा के लिए नई नई है, पुराने हैं, एबीवीपी के समय से जुड़े हुए रहे, वो विधायक रहे हैं, सांसद बने हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज भी केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से गिरिराज सिंह है, क्या करना है नहीं करना है, लेकिन बोलने का तो इंटरनेशनल नेता है, वो अपने विभाग में क्या करते हैं नहीं करते वो हमें नहीं कह रहे, व्यक्तिगत नहीं है वो, हम लोगों की भी धारणा है उनके बारे में, भाजपा में भी यह धारणा है, वो भाजपा की बात कम करते हैं, वो देश विदेश की बात ज्यादा करते, किसी मुद्दे पर वो चर्चा कर लेंगे, वो अपने विभाग की चर्चा कब करते हैं, क्या मीडिया में आता है नहीं आता है, जिस विभाग के मंत्री होते हमको भी नहीं, बहुत फौरी तौर पर बहुत दिखता नहीं है, तो मुख्यमंत्री घोषित कर देना और तमाम बातें हो गई थी। आज की तारीख में अगर अश्विनी चौबे बोल रहे हैं तो ठीक है, अभी कहा जा सकता है कि अश्विनी चौबे का टिकट कट गया, अश्विनी चौबे मुख्यधारा से अभी किनारे हो गए, एक तरीके से कहीं कुछ नहीं है, शुरू में तो कह रहे थे कि हम हटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे ही, बात नहीं बनी, तेवर भी दिखाए थे, तेवर दिखाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, उनका टिकट कट गया था, ठीक है ना, बावजूद इसके जो परिणाम आए वो बक्सर के क्या परिणाम आए, अब बगल में आरा के क्या परिणाम आए, ठीक है ना, वहां तो आरके सिंह का टिकट नहीं कटा था, लेकिन कहा जा रहा था कि उनका कटने की बात है, तमाम बातें हो रही, क्यों ना कटा, क्या हुआ, अब हम इस पर भी नहीं बहस करेंगे। सबसे बड़ी बात जो चित्तौड़गढ़ को लेकर कहा जा रहा था, औरंगाबाद को, वहां लालू प्रसाद यादव ने या राजद ने कुशवाहा को टिकट दे करके और वहां से जीत हासिल करके
जो एक नया संदेश दिया पूरे बिहार की राजनीति को, उसको आप कैसे खारिज करेंगे, कैसे नजरअंदाज करेंगे, जबकि आप तो कुशवाहा जी हैं, आप तो प्रदेश अध्यक्ष थे ना भैया सम्राट चौधरी, उसके बगल में आप आ जाइए, काराकाट में क्या हो गया, ठीक है ना, वहां कहां क्या चला गया, कहा तो अभी यह भी जा रहा है कि पवन सिंह को जो सुर पहले भी कहा जा रहा था अभी कहा जा रहा, जबकि अब परिणाम सामने है कि वहां जो उपेंद्र कुशवाहा थे उनकी उनकी हार तो सुनिश्चित भाजपा के लोगों ने ही कर दी, अब कौन लिए, हम नहीं, चूंकि दूसरे लोग भी खुल के नाम नहीं लेते तो हम काहे को नाम लेंगे और क्या करेंगे। तो अब अश्विनी चौबे जब बोल रहे हैं कि आयातित लोग नहीं हम स्वीकार करेंगे और नहीं स्वीकार किए जाएंगे, तो उनके बात में दम भी है। अगर यह मान किसको लीजिए कि कह रहे हैं अपने, वो क्या केंद्रीय माने हाई कमान को कह रहे हैं कि स्वीकार नहीं करेंगे बिहार के स्तर या बिहार के लिए वो कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? और दूसरी तरफ अरे अभी हाई 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 कमान आखिर जो भी आयात हो रहे हैं महत्वपूर्ण पद पर बैठाए जा रहे हैं तो उनको आयात कौन कर रहा है, स्वाभाविक रूप से हाई नहीं, कमान ही दूसरी कर रहा तरफ है। फिर नीतीश कुमार को भी कह रहे हैं कि जे अब जो है भाजपा अपने अपनी अगुवाई में ही चुनाव, माने भाजपा अपने ही अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, उसमें सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार होंगे। तो एक तरफ वो नीतीश कुमार को भी नाराज कर रहे हैं, इसको लेकर जैसे ही उन्होंने बयान दिया पूरे मीडिया में इसको लेकर एक तूफान सा ही मचा दिया गया कि नीतीश कुमार और भाजपा में अब बैर और ये सामने सामने तरह तरह की बात होने लगी। तो उनके बयान को लेकर इस तरह से, हालांकि इस तरह के अब सोशल मीडिया में इन बयानों का महत्व तो कुछ ना कुछ असर तो हो ही जाता है। तो देखिए ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि अब अश्विनी चौबे कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नीतीश को भी इसमें बीच में ले आए हैं और नीतीश पर अभी बोलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मामला हो जाता है और जेपी नड्डा जी का केंद्रीय अध्यक्ष का मामला हो जाता है। जी देखिए देखिए जो मुख्यधारा की मीडिया है ना और सोशल मीडिया की भी जो आप बात कर रहे हैं, चूंकि आप भी पुराने लोग हैं और सब कुछ बखूबी समझ रहे हैं और हम लोग भी वही दिन रात कर रहे हैं जो पत्रकारिता में हो ही रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। आप एक बात बताइए कि आज के तारीख में अश्विनी चौबे जिस गति को प्राप्त हुए हैं, उस गति को प्राप्त करने में नीतीश कुमार का क्या योगदान है? क्या नीतीश कुमार ने बक्सर सीट अपने खाते में झपट ली जिस तरीके से शिवहर सीट ले ली? ठीक है, बात उनको किनारे, गति कौन दिया उनको? गति भाजपा ने दिया है। तो अब भले मीडिया में आप विश्लेषण कर ले कि आयातित करेंगे, अरे भैया आयातित नहीं करेंगे, तो अगर यह मीडिया की बात ही हम समझ ले कि अश्विनी चौबे अगर नीतीश कुमार को ही टारगेट कर रहे हैं, तो भाजपा के ही तो एक पुराने नेता आप हैं जो उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं होते तो आज तो भाजपा कहाँ जाती, क्या करती, कुछ था पता नहीं रहता बिहार में। संजय तो पासवान फिर ने कहा, संजय पासवान ने कहा। हाँ संजय पासवान ने कहा, तो बातें देखिए बातें आप इस तरीके से इधर उधर मीडिया के माध्यम से और राजनीति में ये सब तमाम चीजें होती है, वो सीधा उनका हमला भाजपा पर है, वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व जो आयात करते हैं और उन लोगों पर जो आयात होकर आए हैं और कौन आयात होकर आए हैं और कौन आयात करके लाए हैं, ये तमाम चीज खुली किताबें हैं। और अगर आप खोने को ही बोलिएगा तो अश्विनी चौबे के पास अब खोने के लिए क्या है जी, वो जो कि एक उम्र का तकाजा भी होता है, वो जिस पड़ाव पर बैठे हैं खोने के लिए आप कहिएगा तो खोने के पशुपति कुमार पारस से ज्यादा कौन खो लिया, नहीं समझ रहे, राजनीति में तो खोना और पाना लगा रहता है। जिस उस दौर से अश्विनी चौबे को हम लोग भी देखे हैं भैया विधानसभा में प्रदर्शन आंदोलन लाठी खाते मार खाते, ऐसा नहीं है, वो भी जुझारू नेता रहे, जमीन से जुड़े नेता रहे, ठीक है परिस्थिति जन व्यवस्था में जो भी हो जाता है, आज वो कह रहे हैं, बात तो यह भी आई थी कि उनको समायोजित करने की बात हो रही है, बात तो यह भी मीडिया में इसी मीडिया में आई है ना कि उनको कहीं का राज्यपाल बनाने की भाजपा सोच रही है। तो इस तरीके से आप नहीं आई, यह जो संकेत है क्योंकि वो पुराने नेता है और वो कहीं से आयात की हुई नहीं है, वो शुरुआती दौर से भाजपा के नेता रहे हैं, वो जमीनी नेता हैं, एक दो तीन करके वो गिनती का खारा गिनती जो है भाजपा का सीखे हैं, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो यकीन मानिए वो सिर्फ कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके पीठ पर भी भाजपा के किसी न किसी बड़े शीर्ष नेतृत्व से ही किसी का हाथ है जो सीधे तौर पर भले ही आयातित नेता से पिंड न छुड़ा ना छुड़ा पा रहा हो, लेकिन पिंड छुड़ाने का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। आज की तारीख में जो आखिर सम्राट चौधरी या कोई भी नेता को जो महत्वपूर्ण पद मिलता है क्यों मिलता है, कि
कि भाई आप राजनीति में अपनी अपरिहार्यता सिद्ध करिएगा, भाजपा के लिए क्या उपयोगी होइएगा। तो आज के तारीख में अगर इशारों में सम्राट चौधरी को ही मान लिया जाए, वो नाम न ले रहे, तो भाजपा सम्राट चौधरी की भाजपा ने क्या उपयोगिता सिद्ध हुई और कहाँ किन किन सीटों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बातें हैं और ये बातें हो रही है, और भाजपा में अंदरूनी खींचतान जो शुरू हुई है जाएगा, इसको पाटने के लिए बातें अभी और भी आ रही है। आप देख रहे हैं कि भाजपा किसी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूंकि जेपी नड्डा को हटाया और हमारा सभा में उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, और उसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बिहार से भी कई नाम है, और बिहार से भी वो नाम है जो पुराने लोग हैं, पुराने भाजपाई हैं, जो भाजपा को देश स्तर पर जो मंथन चल रहा है उसमें जो यह बातें हो रही है कि कहीं ना कहीं जो पुराने नेताओं को, जो जमीन से जुड़े नेता हैं जिन्होंने भाजपा को सींचा है, उन लोगों की उपेक्षा, उन लोगों की अनदेखी की कीमत भाजपा को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, ठीक है ना। तो भाजपा भी कहीं ना कहीं यह तो नहीं चाहेगी ना कि भैया इसी तरीके से हम कर ले, क्योंकि एक दौर था बिहार की राजनीति में और भाजपा की राजनीति में। आप उस दौर को याद करिए कि भाजपा को बिहार में फैलाने वाले कौन लोग थे। आप कैलाशपति मिश्र के जमाने को याद कर लीजिए, आप यशोदानंद सिंह के जमाने को याद कर लीजिए, ठीक है ना। बाद के दिनों में जब गोविंदाचार्य आए और उनका सोशल इंजीनियरिंग चला, तो बावजूद इसके जो भाजपा में जो लोग आगे किए गए उनको राह दिखाने वाले कौन लोग थे, लेकिन वो प्रचारित किस रूप में हुए कि जिन लोगों ने भाजपा को मजबूती दी उन्हीं लोगों को हाशिए पर कर दिया गया है, ठीक है ना। आज फिर वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है और वही सवाल आके फिर खड़ा है। तो भाजपा को मंथन करना है और इसको इस रूप में लीजिए जी। नीतीश कुमार को नाराज करके अश्विनी चौबे को कोई पद या प्रतिष्ठा मिलने वाली है? देखिए नीतीश कुमार को नाराज करें इस बात से तो हम इत्तफाक नहीं रहे, जो आपको कहें भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हो सकता है सम्राट कि किसी, सम्राट चौधरी का नाम न ना लिए बगैर बोलना तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि भाजपा के लिए चुनाव लड़ेगी और वो सहयोगी के तौर पर होंगे, और केंद्रीय हाईकमान क्या इसको इतने आसानी से पचा लेगा उनके बयान को? क्योंकि अगर इस तरह की बयान, अभी सरकार शुरू हुई है, सत्ता में आई है, केंद्रीय सरकार सत्ता में आई है, और इस तरह से आप नीतीश कुमार को नाराज करेंगे, कोई नायडू को नाराज कर दे, चंद्रबाबू को नाराज कर दे, और केंद्रीय हाईकमान इसको बर्दाश्त करेगा, आपको ऐसा लगता है? अगर ऐसा होने लगेगा तो मैंने महीने दो महीने दो चार महीने में तो बहुत तरह के बयान आने लगेंगे, और सबका जवाब देते देते नहीं हाईकमान परेशान हो जाएगा। तो वही बात अभी हम 2 मिनट पहले आपको बोले हैं कि अगर अश्विनी चौबे कुछ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का कोई जो वहां निर्णायक लोग हैं उनका हाथ है, उनको कहलवाया जा रहा है। वो भाजपा का अंदरूनी मामला है, उस पर हम आ गए थे ना, जो सम्राट चौधरी के बारे में बिना नाम लिए हुए या कुछ बोलो, तो अगर हम नीतीश कुमार का नाम भी ले रहे हैं ना, तो भाजपा के उसी शख्स का इशारा है कि भैया आप वहां बोलिए, चूंकि अश्विनी चौबे बोल रहे हैं तो बात दुई लगा दिया जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं ना कि अरे वो बोल रहे हैं तो क्या है भाई सम्राट चौधरी का क्या, उसी तरीके से अरे वो तो हाशिए पर खड़े लोग हैं, वो तो उनको कुछ नहीं है तो बेचैनी में बोल रहे हैं, यह कह के नीतीश कुमार को समझा दिया जाए। लेकिन तौला तो जा रहा है बातों के माध्यम से, अगर कोई बड़ा नेता कुछ बोलता है तो बात का तो असर होता है। तो ये बातें तो कहीं ही जा रही है ना, कि चूंकि नीतीश कुमार भाजपा की मजबूरी है, अगर भाजपा की मजबूरी नहीं रहते तो फिर राजद के साथ ला करके फिर उनको कुर्सी पर बिठा के उतना कम सीट के बावजूद, भले भाजपा के लोग कह दे जब उधर चले गए थे तो भाजपा के लोग कह रहे थे कि अब तो नहीं आएंगे, दरवाजा बंद है, सब है, जो भाजपा के तथाकथित समर्थक माने अपने पार्टी के कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, जो तथाकथित समर्थक थे वो नीतीश कुमार के बारे में क्या बोला करते नहीं, थे। इतना तो मानना होगा कि आप जिस तरह से, ठीक है, मध्य प्रदेश में सफल हो गए, राजस्थान में विफल हो गए, उत्तर प्रदेश में जहां सबसे अधिक उम्मीद थी और सत्ता के एकदम सीधे एकदम केंद्र में लाने में उस राज्य का हाथ होता है, वहां पर 30 सीट नीतीश कुमार की अगर लोकप्रियता नहीं होती, नीतीश कुमार का अपना कोई अपनी छवि नहीं होती, तो क्या ये संभव था? उसी तरह से फिर वहां पर भी हो सकते थे, नतीजे आ सकते थे। हाँ, बेशक देखिए चुनाव परिणाम देखिए, आप देखिए बहुत खुली किताब है कि लालू जी ने भले जो रणनीति बनाई हो, जो तेजस्वी यादव ने, जो वोटर था, वो जो
इंडिया का भी ठीक ठाक मोटा मोटी प्रदर्शन हो गया, लेकिन लालू जी क्यों ना सफल रहे, ठीक है ना? वो ठीक है, औरंगाबाद सीट जीत गए, कुछ एक चुके उसको छोड़ दीजिए आप, अब क्योंकि शून्य 23 पर सीट थे तो। में राजद, 23 में 4 सीट है और कांग्रेस 9 सीट में 3 सीट ला रही है। हाँ वही, माले को देखिए ना, माले का प्रदर्शन देख लीजिए, वहां राजद का प्रदर्शन देखिए, तो जहां शून्य था तो वो दो भी ले आते, तो उनको बढ़त ही होती। लेकिन वो जो आखिर लालू जी का वोट बैंक है, या जो भी वोट बैंक, जो भाजपा विरोधी वोट बैंक था, ठीक है, माले का वोट तो माले ने क्या, राजद को भी वोट दिया, ठीक है ना, कांग्रेस का भी वोट राजद को गया है, लेकिन राजद का वोट, ठीक है, वो वोट जो है वो कहाँ गया? कुछ वो जो वोट थे, वो तमाम वोट नीतीश कुमार के साथ, जो ओबीसी वगैरह जो होते हैं ना, जो अत्यंत पिछड़ा वगैरह, उन्होंने लालू यादव पर भरोसा नहीं किया। वो भाजपा के उम्मीदवार पर अगर भरोसा नहीं किया, तो लालू जी के उम्मीदवार पर भी भरोसा नहीं किया। उनका वोट नीतीश कुमार का पुख्ता पुख्ता था, वो वोट वहीं गया है। महिलाओं का वोट जो है वो गया है तो गया है, कुछ वोट तो है उनका, वो नीतीश कुमार का वोट है, ठीक है ना, वो भाजपा का वोट और किसी का वोट नहीं है। नीतीश कुमार ने जो काम किए, देखिए आलोचनाएं बहुत तरीके से होती है और राजनीति में है तो आलोचनाएं होंगी, लेकिन नीतीश कुमार ने जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया, जो उन्होंने पंचायतों में आरक्षण का जो मामला लाया और तमाम बातें हैं, और जो गांवों में जो महिलाएं बढ़ के आई है, जो दबे कुचले पिछड़े समाज की, उन लोगों का तो चेहरा है और लाभ है, और उन लोगों को मिल रहा है नीतीश कुमार को फायदा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भाजपा क्यों उनको ढोते रहती? आज के तारीख में क्या है? अब अगर आपको भाजपा इतने आश्वस्त है कि हमको कुछ है नहीं, नीतीश कुमार के बगैर मेरा काम चल जाएगा, तो अब तो लोकसभा चुनाव हो गया। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार आपसे हट जाएंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए तो बहुत ऑप्शन है भैया, अभी तो खेल शुरू का हुआ है। अरे हेमंत बिश्व शर्मा आज के तारीख में भाजपा के को राज का राज जीत करके लाने के लिए तैयार है, तो कोई झारखंड का जिम्मा तो वहां का जिम्मा, वो कौन है और किस तरीके से आ गए, ठीक है ना, ये सब खुली किताब है। अब हम उसको, हम इसमें कुछ नहीं जाएंगे गहराई से। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में भी हट जाएंगे तो कोई बीजेपी को बहुत कुछ नुकसान हो जा रहा है, मैंने सत्ता के स्तर, अब वोट के स्तर पर क्या होगा, दूरगामी लाभ क्या होगा, मोदी जी की तो कुर्सी रह ही जाएगी, तो फिर क्यों ना हाथ धो लेते, क्यों उनके दबाव में रहेंगे, तमाम चीजें लीजिए लड़ जाइए। अरे भैया आज के तारीख में भाजपा की जो स्थिति है, पिछले चुनाव उम्मीदवार कौन है, कहाँ से है आपका, तमाम तो आयातित लोग आपके यहाँ बैठे हुए भैया, तमाम आयातित लोग हैं, आपके पुराने समर्थित तमाम लोग कहाँ चले गए, क्या चले गए, ठीक है ना, बड़ी विकट स्थिति है। और कहना और करना क्या और आपको लग भाषण रहा दे है, आखिरी सवाल, जी, क्या आपको लग रहा है कि वे सम्राट चौधरी किसी न किसी रूप में हटाए जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाएंगे और डिप्टी सीएम बने रहेंगे? देखिए फिलवक्त जो अभी ये जो फेरबदल है और उसके जो कयास है, उसको तब तक इंतजार करिए जब तक अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो जाती, ठीक है ना, अभी यहाँ तत्काल कुछ होने जा नहीं रहा है, इसी तरह बयानबाजी का दौर चलता रहेगा, तमाम बातें हैं। और बहुत आश्चर्य नहीं कि जिस तरीके से जो संवाद संकेत आ रहे हैं, किनको पूरी तरह से हाशिए पर अब डाल देना है, किनको थोड़ा इज्जत दे करके रखना है, ये तमाम विषय पर काम हो रहा है, तमाम बातें हो रही नहीं, है, इतना और इतना जिनको तो देखिए तय है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है, बिहार भाजपा सम्राट चौधरी के भरोसे नहीं जाएगी, ये तो लग रहा है। हाँ, बेशक, चूंकि चूंकि जो वोट बैंक का हिसाब किताब है ना, उस वोट बैंक के हिसाब किताब में सम्राट चौधरी अपनी अहमियत नहीं साबित कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से मतों का बिखराव हुआ है, ठीक है ना, और खास तौर से जो औरंगाबाद में जो कुशवाहा उम्मीदवार की जीत है, राजद के कुशवाहा उम्मीदवार की जीत की, वो एक बड़ी मिसाल के तौर पर दी जा रही है, ठीक है, उसका फिर विधानसभा चुनाव में वही दोहराव होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये भी कहना बहुत जल्दीबाजी है, लेकिन जो परिणाम सामने है तो उसी की रोशनी में ना फिर विश्लेषण होगी, व्याख्या होगी, ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो कहा ही जा रहा है कि आज के तारीख में जो लोकसभा चुनाव का परिणाम है, उस हिसाब से तो इंडिया कहीं नहीं टिक रहा है विधानसभा में, इतने सीट क्षेत्रों में बढ़त हो गई, तमाम चीजें हो गई। अब विश्लेषण का एक पहलू है, लेकिन हम एक विश्लेषण में यह भी देख रहे हैं कि जो जो विधायक जहां जहां भाजपा के हैं, ठीक है ना, उन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा सांसद या जदयू उम्मीदवार की जीत तो हुई है, लेकिन उनको वोट कितना मिला है,
उन क्षेत्रों में, भाजपा के क्षेत्रों में, उससे ज्यादा तो जहां भाजपा के विधायक नहीं है, जदयू के विधायक नहीं है, वहां वोट मिल गया है। तो ये सब तरह तरह का बातें, विश्लेषण यही सब चलना पड़ेगा, और इसी तरह से अभी सियासत सरगर्म रहेगा। जी बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। जी 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 नमस्कार।